honestly, I can't, because we can't express his efforts that he has done for us. And in our samaj, every person wants that his house should be big, his reputation should be big, he should be financially strong. But no one cares about our samaj, like honestly no one. But this man has, and this time he achieved this reputation, he achieved this respect from all of us, and we all are thankful to you, and we just thank you for us. Thank you. यार इतने से लोग हैं, इतने से लोगों से कोई प्रश्न नहीं। मैंने बोला ना हम दो लोगों में भाषण देने वाले लोग हैं, तो कभी मत दो। वो था ना पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गोरी को पकड़ा था, 17 बार एक बार आया हाथ में, वो इस बार हाथ में हमारे वर्दी चंद जी आया, वर्दी चंद जी के 17 बार ऐसा हाथ में लगा कि 4 बांस 24 गज अश्रृंगल प्रमाण चुके, 4 बांस 24 गज अष्टुंगल प्रमाण चुके हैं, मत गौरी चुके हैं मत चौहान, ये इन्होंने करके बता दिया। इनको मौका पधारे हुए सभी को साथियों का यहाँ पर सादर अभिवादन और नमन। आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है। हम जब पूरे देश में राष्ट्र की बात करते हैं, जब हमने डांडी समाज की बात की तो गांवों में मोहल्लों में फलों में बिचर के रह गए, लेकिन जब डांडी समाज एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए मेवाड़ में, मेवाड़ से श्री वर्दी चंद जी डांगी ने यहाँ पर कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, तो हमारी एक टीम ने कहा वर्दी चंद जी डांगी साहब आप चुनाव से क्यों पीछे भाग रहे हैं, हमेशा मनोनीत होने वाले नेताओं में मत रहे, आप एक फॉर्म भर जाइए, अगर हार होती है तो कोई बात नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारे उदयपुर में सदस्यों की कमी थी, और अगर जीतते हैं तो देश को फतेह करेंगे। तो हमने उन्होंने फार्म हमारे हमारी पूरी टीम के भी यहाँ पर फार्म भरा, ऑनलाइन प्रचार हुआ, और पूरे देश के अंदर 18 मतदान केंद्रों पर मत पेटियां पड़ी, और पंजाब हरियाणा इधर से नहीं है, और मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात झारखंड उत्तराखंड और बिहार और बंगाल यहां से पेटियों में मत हुए, दिल्ली में मतदान हुआ, और एक लोकतंत्र के तरीके से एक सरकार की तरह चुनकर ये सामने आए हैं। और मैं इतिहास ये बता देना चाहता हूँ, उस बिहार जैसे राज्य से इन्हें सर्वाधिक मत मिले हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ वर्दी चंद जी से बेड़ा उठा है, आज हमको सबको कम लोगों की संख्या पे कभी नहीं आंकना चाहिए, हम तो वो धनी है, हम वो लोग हैं कि दो लोगों के सामने भाषण दे देते हैं तो यही समझेंगे कि 5000 लोग सामने बैठे हैं, हम उस मूल से निकले हुए हैं, और ये बहुत बड़ा समाज है, 10 करोड़ से ज्यादा हमारा ये समाज है। अपने हमारे माता पिता को प्रणाम करते हुए, माँ अंजना को प्रणाम, एवं उन पांचों महान पुरुषों का याद करते हुए श्रीमान श्री रामलाल जी पटेल साहब, हमारे पिता श्री दुदाजी पटेल साहब एवं केशाजी पटेल साहब, प्रताजी पटेल साहब और कालू जी पटेल साहब को, आज वो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन उनकी अच्छे किए हुए कर्म और जो किए इस जगह अपने विराजमान है, तो ये सब उन्हीं की देन है, इसलिए उन सबको हम नमन करते हैं तहे दिल से। इसी के साथ मंच पे विराजमान श्रीमान रूपलाल जी भाई साहब, श्रीमान मोतीलाल जी, श्रीमान मानशंकर जी, गोपाल जी भाई साहब, पुंजाराम जी, प्रथा जी, कुकाराम जी, पुरीलाल जी एवं शंकर जी, और श्रीमान यहाँ प्रतापगढ़ से पढ़ाए हुए श्री भाई साहब राम सिंह जी, एवं इतने सालों से अदृश्य रहे, चित्तौड़ से आए हुए अदृश्य रहे श्रीमान गोटूलाल जी कैप्टन साहब को, क्योंकि इन ये अब प्रकट हुए, जब हमारे को इनकी जरूरत थी, बाकी इतने साल ये अदृश्य रहे, पहली बार हमारा मिलना हुआ है, इसके लिए इन सबको, और बाहर से आए हुए उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ और सभी प्रतापगढ़ सभी जिलों से आए हुए भाइयों बहनों एवं आसपास के सभी गांवों से पधारे हुए सभी महानुभावों को हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ आज का जो आयोजन आप सभी ने रखा,
जिसके लिए जो भी आयोजन करता भाई विष्णु पटेल, ये श्री गोपाल जी भाई साहब, नारायण जी, उन सबको और पूरीलाल जी सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने कुछ ही कम समय का, समय कम मिला लेकिन कुछ ही समय में बहुत ही शानदार कार्यक्रम करने में इनकी भूमिका निभाई। संस्था के अध्यक्ष अध्यक्ष सब बोलते हैं, सभी अध्यक्ष सब कितने अध्यक्ष हैं सब, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है, जो समाज का राष्ट्र के ऊपर अध्यक्ष है, उसके अंडर में जो संस्था है, जो कोई कुलदेवी संस्था है, छात्रावास की संस्था है, वो जो छोटी मोटी हमारे डांगी समाज की संस्था है, उससे साथ में तालमेल बिठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे हमेशा प्रेरणा देनी चाहिए। बस इतने कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हेमजी पटेल कांग्रेस।